आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं हो रही थी कि विद्यालय कब से खुलेंगे। ऐसे में बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने एक स्पष्ट आदेश जारी करके इन चर्चाओं पे विराम लगा दिया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि उस आदेश में क्या है और उस दौरान जब 1 जुलाई 2021 से विद्यालय खुलेंगे तो शिक्षकों की उपस्थिति की क्या स्थिति रहेगी और विद्यालय में कौन से कार्य करने हैं। आइए इस आदेश की प्रति को देखते हैं। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश की प्रति आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, और जो दूसरा आदेश हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, अगर हम दिनांक की बात कर लेते हैं तो 14/6/2021 का ये डेट है। अगर हम विषय की बात करें तो COVID-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। महोदय, उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या इतना दिनांक 30 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति एवं विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति तदनुसार प्रदान की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक इतना दिनांक 19/5/2021 द्वारा निर्देशित किया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी एवं विद्यालय COVID-19 संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 30/6/2021 तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों में निम्नोक्त कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराया जाना नितांत आवश्यक एवं अपरिहार्य है। पहला बिंदु है 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना। दूसरा बिंदु है मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना तथा प्राप्त खाद्यान्न का वितरण करना। तीसरा बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। चौथा बिंदु है परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों का पूर्ण कराना। और पाँचवा बिंदु है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन। और लास्ट बिंदु छठा बिंदु है जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्वों का संचालन। उक्त कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या इतना दिनांक 30 मई 2021 के क्रम में निर्देश किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 से आवश्यकता अनुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, परंतु अग्रिम आदेश तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथा आवश्यक अधिकृत होगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सचिव प्रताप सिंह बघेल जी का ये आदेश है और यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि विद्यालय 1 जुलाई 2021 से ही खुलेंगे, वो भी शिक्षक कुछ अनुपात में ही जाएंगे, सभी शिक्षकों को विद्यालय नहीं जाना है, इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।